warm good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. So today, on the occasion of Guru Purnima, we are going to teach you a story that is in Hindi. And before that, we would like to say some words on the topic Guru Purnima. Guru Purnima is celebrated by all people throughout the India on the full moon day of the Shaka Samavat in the Hindu calendar. And thousands of devotees worship their gurus, parents, teachers. बच्चों, गुरु पूर्णिमा हम लोग आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट करते हैं। गुरु पूर्णिमा में हम लोग गुरु को पूजा करते हैं और हमारे सबसे पहले गुरु कौन है आपको पता है? हमारी माँ ही हमारे सबसे पहले गुरु है, तो इस दिन पे आप उसकी पूजा कीजिए और उनको थैंक यू बोलिए उन्होंने आपको जो आज तक शिक्षा दी है उसके लिए। अभी फिलहाल आप लोग घर पे हैं तो आपके पेरेंट्स ही आपके सबसे पहले गुरु हैं, तो आज उनको वंदन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। तो चलो सुनो हिंदी की एक कहानी गुरु पूर्णिमा के बारे में। नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे हो? आप अपना ख्याल रख रहे हो? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम लोग कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा कहानी जो है गुरु और शिष्य की। गुरु मीन्स टीचर और शिष्य मीन बच्चे, जो आप लोग छोटे छोटे हो। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करेंगे। पुराने समय में एक गुरु थे। गुरु एक प्राचीन काल में एक गुरु अपने आश्रम में रहते थे। प्राचीन काल में, पुराने समय में शिष्यों के साथ रहते थे। गुरुजी अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित रहते थे कि उनके चले जाने के बाद आश्रम का क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु उनकी चिंता देखकर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं अपने में हिमालय में जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी, उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद आश्रम की देखभाल कौन करेगा। तो उनको इस बात की बहुत चिंता थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उनको कहा कि मैं आप लोग को ये दोनों को बुलाया पहले, और उसे कहा कि मैं हिमालय में जाना चाहता हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ये गेहूँ देता हूँ, और दोनों गेहूँ मंगाया। और उन्होंने कहा कि एक एक मुट्ठी गेहूँ आप दोनों ले लीजिए। तो दोनों शिष्यों ने वैसा ही किया। दोनों ने एक मुट्ठी गेहूँ ली, और लेने के बाद गुरुजी ने कहा ये गेहूँ आप लोग मेरे आने तक, जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आऊँ, आप इस गेहूँ को अपने पास संभाल के रखिएगा। रखने के बाद जब मैं हिमालय तीर्थ यात्रा से वापस आऊँगा तो आप ये गेहूँ मुझे जिस तरह मैं आपको दे रहा हूँ उसी तरह आप मुझे वापस कर दीजिएगा। तो ये गेहूँ लेने के बाद एक शिष्य ने और ये कहकर गुरुजी हिमालय में तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। एक शिष्य ने जो बहुत ही समझदार था, उसने क्या किया, और गुरुजी ने ये भी कहा कि अगर आप ये गेहूँ संभाल के रखोगे और आने के बाद मुझे दोगे तो वही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो उसने क्या किया, एक शिष्य ने वो एक पोटली जो थी वो गेहूँ की एक बोरे में डाला, सब गेहूँ को एक मुट्ठी जो गेहूँ थी उसको बोरे में डालकर एक अलमारी में रख दी और उसको संभाल के रख दिया, और उसकी रोज पूजा करने लगा। और जो दूसरा शिष्य था उसने क्या किया, वो गेहूँ ली और ले जाके आश्रम के पीछे जो जगह थी ना, जमीन, उस पे वो पूरा उन्होंने ये डाल लिया। डालने के बाद थोड़े दिन के बाद जब गुरुजी वापस आए, गुरुजी वापस आने के बाद उन्होंने कहा
कि ठीक है अभी गुरुजी आए वापस, उन्होंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद दोनों गुरुजी ने शिष्य दोनों शिष्य को बुलाया और कहा कि मैंने जो आपको गेहूँ दी थी अब आप मुझे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक शिष्य जिसने गेहूँ एक शिष्य गया दौड़ के जिसने अलमारी में गेहूँ पोटली बना के रखी थी वो ला के उसने जल्दी से गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने उस पोटली को खोली तो उसमें क्या देखा मालूम है आपको बच्चों, तो वो गेहूँ तो खराब हो गई थी पूरी। तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। फिर गुरुजी ने दूसरे शिष्य को कहा कि आपको भी मैंने गेहूँ दी थी आप भी गेहूँ लेके आइए एक मुट्ठी जो थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने आपकी गेहूँ आप मेरे साथ चलिए, मैंने उस गेहूँ को आप खेत आश्रम के पीछे डाल लिया था। तो जब गुरुजी आश्रम के पीछे गए तो वो देखकर क्या हुआ मालूम है बच्चों, गुरुजी बहुत खुश हो गए। उन्होंने वो हरियाली देखी, खेत सुंदर लगते हैं ना जब हम बीज डाल देते हैं, गेहूँ डाल दिए उसने बीज डाल दी तो वो गेहूँ की फसल उग गई। तो वो फसल देखकर गुरुजी को बहुत अच्छा लगा और गुरुजी ने कहा तुम ही मतलब उनसे कहा कि आप मेरे एक सच्चे शिष्य हो, क्योंकि जो शिष्य गुरु की जो शिष्य गुरु को ज्ञान को बांटते हैं और उसके ज्ञान को समझते हैं वही सच्चा शिष्य होता है, और आप ही मेरे आश्रम को संभालने के लिए सबसे अच्छे शिष्य हो, या कहकर गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। तो बच्चों तो स्टोरी कैसी लगे, अच्छी लगी ना? तो प्लीज़ अपनी मम्मी जी मम्मी से बोलिएगा कि टीचर्स ने कहा है कमेंट्स बॉक्स में प्रेजेंट लगाने के लिए। ओके थैंक यू।